दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आईपीओस की और देखेंगे आज 4 अक्टूबर को सभी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर क्या गिरे, मार्केट पीएम ट्रेंड कर रहा है। बात करेंगे ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ फिलहाल चल रहा है, जबरदस्त गिरे, मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में बात करेंगे मामा अर्थ लिमिटेड आईपीओ और साथ साथ में दो आईपीओ और भी आने वाले नेक्स्ट वीक से, इसी वीक से मंडे से प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज और साथ साथ में आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ, ये दोनों आईपीओ भी स्टार्ट होने वाले। इसके अंदर भी क्या गिरे, मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले कहूंगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। करें ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ का लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। भाई इस आईपीओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया और अभी तक इसने क्या गिरे, मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की तो क्यूआईबी इसके जरिए अभी तक इसके अंदर करीब करीब 95% तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और अमाउंट भी 85 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 2 से 3 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अमाउंट भी 174 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। जो अबाउट 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी इसके अंदर 2 टाइम और 3 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। और रिटेल का दिखाया तो रिटेल का भी इसके अंदर करीब करीब सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी 335 करोड़ तक का अमाउंट इसके अंदर रिटेल का भी लग चुका है। ओवरऑल अगर फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और 610 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है, चलो देख लेते हैं आज की डेट में इसके अंदर क्या गिरे, मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक भी करते चलो। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करा है वो देख लेते हैं। आज 4 नवंबर 2023 और आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, लेकिन गिरे मार्केट प्रीमियम अभी भी इसके अंदर 60 रुपये का ये आईपीओ और 20 रुपये का इसके अंदर हमको प्रॉफिट देखने को मिला। नहीं करीब करीब ये कह सकते हैं 60 रुपये का ये आईपीओ 80 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 33-34% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। देखा जाए 2 दिन पहले इसके अंदर करीब करीब 36-37% था और आज इसके अंदर हमको 33% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। उम्मीद की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा मंडे को तो गिरे मार्केट प्रीमियम 40-45% भी चढ़ सकता है। जैसा रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें मामा अर्थ लिमिटेड आईपीओ के बारे में, लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, करीब करीब देखा जाए क्यूआईबी के जरिए 11 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अमाउंट भी करीब करीब 5,868 करोड़ तक का लग चुका था। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का देखा जाए तो 4 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी 1,026 करोड़ तक का लग चुका था। और इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल की, रिटेल इन्वेस्टर कुछ खास रुझान दिखाई नहीं है आईपीओ के अंदर, करीब करीब 1 टाइम ही भरा और 228-229 करोड़ तक का अमाउंट भी आया। इंप्लॉयंस का भी कोटा रखा गया था, 4 से 5 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अमाउंट इसके अंदर करीब करीब 5 करोड़ तक का आया। ओवरऑल अगर आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाया तो करीब करीब 6-7 टाइम तक का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अमाउंट भी 7,129 करोड़ तक का देखने को मिला। चलो आईपीओ की और भी क्या अपडेट है वो देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक भी करते हैं। मामा अर्थ लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में फिलहाल देखा जाए तो जब आईपीओ गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब करीब इसके अंदर 9% में गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली और आईपीओ के गिरे मार्केट प्रीमियम भी गिरावट देखने को मिली, करीब करीब 1 से 2% पर ट्रेड करता था। लेकिन जब से सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ है उसके बाद से मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला और गिरे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ा बहुत उछाल आया। फिलहाल देखा है तो 7 से 8% तक गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कोई भी आईपीओ 10 से 15% पर लिस्ट होता है उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी हमको 10 से 15% तक की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो से माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलो। आस्क ऑटोमोटो लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ भी 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 9 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ज़बरदस्त इसका फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त ये आईपीओ फेस वैल्यू 2 रुपया है और आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 268 रुपये से 282 रुपीज़ के बीच में ये आईपीओ आ रहा है। एक लॉट के अंदर 53 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू साइज़ देखा जाए तो 834 करोड़ का ये आईपीओ और पूरा की पूरा ये आईपीओ हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 834 करोड़ की। बात करेंगे लिस्टिंग की तो हमको BSE NSE पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, मेन बॉडी आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। और रिजर्वेशन देखा जाए तो 50% की YBs का है, 35% रिटेल का है और साथ साथ में HNIs का भी इसके अंदर कोटा 15% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो ताकि नई वीडियोस में टाइम टू टाइम लेके आ रहे हैं। एक और आईपीओ के बारे में, नाम है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। देखा है तो ये आईपीओ भी
करीब करीब मंडे से स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से, और 8 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मेन बोर्ड ये आईपीओ फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, लेकिन आईपीओ प्राइस बैंड 752 से 792 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। हाईएस्ट प्राइस बैंड 792 रुपीज़ है, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन है जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 18 शेयर्स रखा गया है। टोटल इशू साइज करीब करीब 490 करोड़ का ये आईपीओ, और पूरा ही पूरा ये ऑफर फॉर सेल में रखा गया है। इसके अंदर इंप्लॉयज़ का भी कोटा रखा गया है, 75 रुपया डिस्काउंट दिया गया है, और साथ साथ में लिस्टिंग हमको इसको BSE भी देखने को मिलेगी। और बात करेंगे इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, फिलहाल देखा है तो 50% इसके अंदर QIBs का है, 35% रिटेल का है, और HNIs का भी इसके अंदर 15% रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या अपडेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक भी करते हैं। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। आज 4 नवंबर 2023 आईपीओ की जो प्राइस है 792 रुपीज़ पे आईपीओ आ रहा है, और 972 रुपीज़ पे ट्रेड करें, 180 रुपये तक का इसके अंदर हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं आईपीओ जो 14% ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, आज के डेट में करीब करीब 22 से 23% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। उम्मीद की जा रही है सब्सक्रिप्शन इसका स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, और ज़बरदस्त इसके अंदर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे भी रुझान रहा डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जैसे मैं अक्सर वीडियो में अपडेट में बताता हूँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन लो, या आईपीओ भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो।